नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीमेंट कोचिंग में। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट मेज क्रॉप के बारे में। ठीक है, शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले डिस्कस करेंगे बॉटनिकल लेम के बारे में, जो मेज जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मक्का। ठीक है, तो मेज का जो बॉटनिकल लेम होता है वो होता है जी मेस। क्या होता है? जी मेस। ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए, जो मेज का बॉटनिकल लेम होता है वो होता है जी मेस। ठीक है, फैमिली की बात करें, किस फैमिली के अंदर आता है? तो बेसिकली जो है ग्रैमनी फैमिली के अंदर आता है। इसी को जो है हम पोएसी भी बोलते हैं और इसी को जो है ग्रास फैमिली भी बोलते हैं। क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n = 20 इसका क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो सेंट्रल अमेरिका एंड मेक्सिको जो है इसका ओरिजिन या फिर नेटिव प्लेस इसको बोल सकते हैं। डेरेंट की बात करें तो कई प्लांट जो होते हैं वो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं। ठीक है, कई प्लांट जो है लॉन्ग डे प्लांट भी होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेज है जिसको बोलते हैं मक्का, तो मक्का जो है आपका डे न्यूट्रल प्लांट है। ठीक है, शॉर्ट डे प्लांट में क्या होता है, जो लाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो 12 घंटे से कम होती है, लॉन्ग डे में 12 घंटे से ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ आप मान सकते हो 12 ओवर घंटे के आसपास होती है। ठीक है, 12 घंटे मान सकते हो। मेज जो है बेसिकली C4 प्लांट है। अभी C4 प्लांट क्या होता है, देखो ऐसा प्लांट जिसकी लाइफ साइकिल C4 होती है, C4 लाइफ साइकिल होती है। अभी लाइफ साइकिल क्या होती है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा लाइफ साइकिल के ऊपर। ठीक है, अभी ये ध्यान में रखो, जो मेज है आपका मक्का है वो C4 प्लांट है। ठीक है, मेज जो है प्रोडेंट्री प्लांट है। अभी प्रोडेंट्री प्लांट का मतलब क्या होता है, ऐसा प्लांट जिसका जो मेल पार्ट होता है, एक तो होता है फीमेल पार्ट और एक होता है मेल पार्ट। ठीक है, तो जो मेल पार्ट होता है वो जल्दी मैच्योर हो जाता है, तो ऐसा प्लांट जो है प्रोडेंट्री प्लांट कहलाता है। ठीक है, इसको नॉन टिलर प्लांट भी बोलते हैं। नॉन टिलर प्लांट का मतलब क्या होता है, देखो देखो जो सीड होता है, ठीक है, उसमें से क्या होता है, कई सारे जो है इस तरह से प्लांट निकलते हैं। ठीक है, तो दूसरे जो क्रॉप होती है उसमें इस तरह से निकलती है, लेकिन जो मेज क्रॉप होता है उसमें सिंगल ऐसा निकलता है। ठीक है, सिंगल निकलता है, तो ये कहलाता है आपका नॉन टिलर प्लांट। ठीक है, अब देखो मेज जो है प्रोडेंट्री प्लांट होता है, इसलिए जो है इसके अंदर क्रॉस पोलिनेशन होता है। ठीक है, पोलिनेशन भी पूछ लिया जाता है कि मेज क्रॉप के अंदर किस टाइप का पोलिनेशन पाया जाता है, तो क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है मेज। ठीक है, फ्रूट जो है इसका कैरियोप्सिस होता है। ठीक है, जो मेज का ग्रेन होता है उसका जो फ्रूट होता है वो कहलाता है कैरियोप्सिस। कई बार पूछ लिया जाता है क्यून ऑफ सीरियल किसे कहा जाता है, तो क्यून ऑफ सीरियल भी जो है मेज को कहा जाता है। इन्फ्लोरेंस इसमें दो प्रकार से होते हैं। इन्फ्लोरेंस क्या होता है, जो फ्लावर पोर्शन होता है। ठीक है, जो फ्लावर पोर्शन होता है क्रॉप का वो कहलाता है इन्फ्लोरेंस। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ फ्लावर को इन्फ्लोरेंस बोलते हैं। जो मेल पार्ट होता है उसको बोलते हैं टेसल, और जो फीमेल पार्ट होता है इसमें उसको बोलते हैं सिल्क। ठीक है, ये जो बेसिकली मोनोशियस प्लांट है, यानी जो मेल और फीमेल यहाँ पर होंगे वो डिफरेंट ब्रांचेस में होंगे। एक प्लांट है उसमें अलग अलग ब्रांचेस में जो है मेल और फीमेल होंगे। ठीक है, तो ये कहलाएगा आपका मोनोशियस प्लांट। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं न्यूट्रिशन की। न्यूट्रिशन में बात करें तो इसके अंदर स्टार्च होता है, प्रोटीन होता है, ऑयल होता है, क्रूड फाइबर होता है। ठीक है, स्टार्च की बात करें तो 65% जो है स्टार्च पाया जाता है, प्रोटीन 8 से 10% पाया जाता है, ऑयल पाया जाता है 40%, फाइबर पाया जाता है 2.2%। मेज के अंदर जो प्रोटीन पाया जाता है उसको बोला जाता है जीन। ठीक है, जीन प्रोटीन इसके अंदर पाया जाता है। मेज जो है डिफिशियंट होता है ट्रिप्टोफैन एंड लाइसिन प्रोटीन में। ठीक है, बेसिकली जो सीरियल क्रॉप होती है उसके अंदर लाइसिन पाया जाता है, लेकिन जो मेज क्रॉप है इसके अंदर लाइसिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ मेज की बात करें तो 7 तरह से इसको क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहले बात करेंगे जी मेज इंड्यूरेटा की। तो जी मेज जो इंड्यूरेटा है इसको फ्लिंट कॉर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फ्लिंट कॉर्न इसको बोला जाता है। ठीक है, इसको इंडियन मेज के नाम से भी जानते हैं। भारत में बेसिकली ज़्यादा कल्टिवेट किया जाता है। ठीक है, और इसका जो आउटर पोर्शन ऑफ कर्नल, कर्नल का जो आउटर पोर्शन होता है इसका, वो कलर हार्ड होता है। ठीक है, सेकेंड है जी मेज इंडेंटेटा। इंडेंटेटा जो है डेंट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये बेसिकली जो है यूएसए अमेरिका में जो है 95% पाया जाता है, 95% वहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, अमेरिका में। थर्ड है जी मेस इवर्टा। जी मेस इवर्टा जो है बेसिकली पॉपकॉर्न के नाम से जाना जाता है। पॉपकॉर्न इसको बोलते हैं। ये जो है पॉपकॉर्न बनाने के लिए, चिप्स बनाने के लिए कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, अब देखो पॉपकॉर्न का जो ग्रेन होता है वो बस्ट हो जाता है 170°C पे। यानी जो है आपने देखा होगा जब पॉपकॉर्न बनते हैं तो उसमें जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर प्रेशर बनने लगता है। प्रेशर बनने से क्या होता है, जो उसका ग्रेन होता है बस्ट हो जाता है, फूटने लग जाता है। ठीक है, तो 170°C पे जो है ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है। वो ऊपर आता है ना पॉपकॉर्न, तो वो जो है 170°C पे बस्ट हो जाता है, फूटने लग जाता है। ठीक है, फोर्थ नंबर पर है जी मेज सेकेरेटा। तो जी मेज सेकेरेटा जो है स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो है स्वीट कंपेयर टू अदर कॉर्न, यानी जो है अदर कॉर्न के कंपेयर में जो है मीठा होता है। ठीक है, इसमें स्वीट ज़्यादा होती है, शुगर ज़्यादा होती है। इसके अंदर विटामिन ए भी ज़्यादा पाया जाता है, विटामिन सी भी ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट है जी मेस एमालेशिया। जी मेस एमालेशिया को बेसिकली फ्लोर कॉर्न के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका जो कॉर्न होता है वो होता है सॉफ्ट।
इसका जो ग्रेन होता है बेसिकली, ठीक है, जी मेस एमाइलेशिया फ्लोर कॉर्न का, वो होता है सॉफ्ट होता है, ठीक है। इसके नेटिव जो है ओरिजिन होता है इंडियन हाईलैंड और साउथ अमेरिका के इंडियन हाईलैंड में इसका जो है नेटिव है। जी मेस सेरेटिना की बात करें तो ये जो है वैक्सीकॉर्न के नाम से जाना जाता है। इसका जो अपीयरेंस होता है वैक्स जैसा होता है, ठीक है। ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है, बेसिकली कल्टिवेट किया जाता है टेक्सटाइल और पेपर साइजिंग इंडस्ट्री के लिए जो है कल्टिवेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है जी मेस टूनिकेटा, तो जी मेस टूनिकेटा बेसिकली पोर्ट कॉर्न के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन था जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी रूट की बात करें, रूट ऑफ मेज, तो ये जो है तीन प्रकार की इसमें रूट होती है, सेमिनल रूट, क्राउन रूट, प्रूफ रूट, ठीक है। सेमिनल रूट बेसिकली प्लांट को नरिश करने के लिए शुरू में, जिसको प्राइमरी रूट भी बोलते हैं, ठीक है, जो प्लांट को नरिश करती है, सेमिनल रूट, ठीक है। उसके बाद आता है क्राउन रूट, उसके बाद आता है प्रूफ रूट। अभी देखो ये जो येलो कलर होता है मेज के अंदर, येलो कलर ऑफ मेज किस कारण आता है, तो क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है, ठीक है। बेसिकली एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेज में येलो कलर किसके कारण होता है पूछ लिया जाता है, तो ये जो है क्रिप्टोजेंथिन के कारण होता है। इसको बेसिकली लाइव स्टॉक, ठीक है, पशुओं के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए और फर्मेंटेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। ह्यूमन कंजप्शन की बात करें तो 25% ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ किया जाता है, 25% पोल्ट्री और कैटल फीड के लिए, ठीक है, पशुओं को खिलाने के लिए, और फूड प्रोसेसिंग के लिए 15% इसको यूज़ किया जाता है। मिट्टी की बात करें, सोइल की बात करें, तो वेल ड्रेन्ड एंड फर्टाइल सोइल इसके लिए अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल भी ज़्यादा होना चाहिए, लोमी सोइल, सिल्ट लोमी सोइल, क्लेम लोमी सोइल, ठीक है, इसके लिए अच्छी मानी जाती है फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पीएच की बात करें तो 6.5 से 7.5 के बीच में इसका पीएच सोइल का होना चाहिए, ठीक है। अब देखो जो वाटर लॉगिंग कंडीशन होती है उसमें ये सेंसिटिव होता है, ठीक है। वाटर लॉगिंग कंडीशन जो होती है उसमें ये सेंसिटिव होता है। सेंसिटिव का मतलब क्या है, यहाँ पर देखो ज़्यादा पानी अगर फील्ड सोइल में अगर आ जाता है तो ये जो है सेंसिटिव वहाँ पर जो है सन नहीं कर पाता है, ठीक है, टॉलरेट नहीं कर पाएगा या फिर वहाँ पर ग्रो भी नहीं हो पाएगा। अगर 4 घंटे से ज़्यादा वहाँ पर पानी है फील्ड के अंदर तो ये जो है वाटर लॉगिंग कंडीशन को सेंसिटिव होता है, ये टॉलरेट नहीं कर पाता है, ठीक है। ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कम पानी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल मॉडरेट पानी रहना चाहिए, क्योंकि एक्सेस मॉइस्चर हो जाएगा तो भी टॉलरेट नहीं कर पा जाएगा, ज़्यादा पानी हो जाएगा तो भी ये टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। ये जो है बेसिकली जो सेलाइन सोल होती है, ठीक है, उसको मॉडरेट लेवल तक टॉयलेट कर लेता है। ज़्यादा अगर सेलिनिटी ज़्यादा होगी सोइल के अंदर तो इसको टॉयलेट नहीं कर पाएगा, उसको सहन नहीं कर पाएगा, ठीक है। बेसिकली ये पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर लोमी सोइल, सिल्ट लोमी सोइल और क्ले लोमी सोइल यहाँ पर अच्छी बनाई जाती है। केवल क्ले सोइल की बात की जाएगी तो वहाँ पर ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक, क्ले के साथ लोमी को भी, यहाँ पर लोम को भी मिलाना पड़ेगा, ठीक है। क्लाइमेट सीजन की बात करें तो बेसिकली जो मेज है आपका वार्म वेदर में जो है ग्रो होता है, ठीक है, गर्म वातावरण में जल्दी ग्रो होता है। वार्म वेदर इज फेवरेबल फॉर मेज क्रॉप, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो 9 to 30 degrees Celsius जो है प्लांटिंग से इमर्जेंस तक होना चाहिए। ऑप्टिमम टेम्परेचर जर्मिनेशन के लिए 21 से 22 degrees Celsius होना चाहिए। इसकी जो मैक्सिमम ग्रोथ होती है वो होती है 30 degrees Celsius पर, 30 से 32 degrees Celsius पर इसकी मैक्सिमम ग्रोथ होती है, ठीक है। और मिनिमम लिमिट की बात करें जर्मिनेशन की मिनिमम लिमिट कितनी होना चाहिए तो प्लांट जो है जर्मिनेट कर पाए, तो 6 से 7 degrees Celsius जो है इसकी मिनिमम लिमिट होना चाहिए, ठीक है। इससे भी अगर कम हो गया तो प्लांट जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि 6 से 7 degrees Celsius जो है पूरे जर्मिनेशन कहलाता है, ठीक है। बेसिकली जो है 3 सीजन में ग्रो किया जाता है, जुलाई अगस्त में, सितंबर अक्टूबर में और जनवरी फरवरी में, ठीक है। अलग अलग इसके सीजन होते हैं, खरीफ क्रॉप, ठीक है, रबी क्रॉप। तो रबी मेज जो है आपका 15 से 20% जो है हायर होता है खरीफ क्रॉप, इसका जो प्रोडक्शन होता है रबी मेज का वो 15 से 20% ज़्यादा होता है खरीफ मेज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर वैरायटी भी है, अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। सबसे पहले बात करेंगे डबल क्रॉप हाइब्रिड ऑफ मेज, ठीक है। डबल क्रॉप हाइब्रिड की बात करें तो गंगा 101, डेक्कन, रंजीत जो है वैरायटी यहाँ पर पाई जाती है। अब देखो कुछ वैरायटी जो है ओपेकी 2 जीन यूज करके बनाई गई है, उसमें से आती है शक्तिमान 1-2 हाई क्वालिटी प्रोटीन मेज, ठीक है। इसमें जो है किस जीन का यूज किया गया है, ओपेकी 2 जीन का यूज़ किया गया है। कंपोजिटिव वैरायटी की बात करें तो इसके अंदर आएगा अंबर, किसान, जवाहर, तरुण, विक्रम, विजय, प्रताप। टॉप क्रॉस वैरायटी की बात करें तो गंगा 2 हाई स्टार जो है इसके अंदर आएगी, ठीक है। इसमें कुछ नई वैरायटी जो है आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव करते समय अगर कुछ नई वैरायटी आपको मिल सकती है तो इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने यहाँ पर सारी बता दी है, ठीक है, जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सीड रेट की बात करें तो कॉमन जो है गुड क्वालिटी सीड के लिए 20 kg/hectare जो है सीड रेट यहाँ पर लिया जाता है। ग्रेन की बात करें, जो ग्रेन होता है ग्रेन मेज की बात करें तो 20 kg/hectare और हाइब्रिड जो होता है उसके लिए 25 kg/hectare ली जाती है। कंपोजिटिव वैरायटी में 18 kg/hectare होती है, बेबी कॉर्न में 25 kg/hectare, फोडर में फोडर पर्पज के लिए अगर यूज़ किया जा रहा है तो 50 kg/hectare सीड रेट लेना पड़ेगी, ठीक है, फोडर जो चारा वाले फसल होती है, ठीक है। ग्रीन क्रॉप की बात करें तो 20 kg/hectare, खरीफ की बात करें तो 15 से 20 kg/hectare। तो अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करती है सीड रेट, ठीक है। सीड रेट होता क्या है, जो बीज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, बीज कितनी प्रति हेक्टेयर चाहिए होता है वो होता है सीड रेट।
स्पेसिंग की बात करें तो कितनी स्पेसिंग दी जाती है। स्पेसिंग होता क्या है, प्लांट से प्लांट और रूट से रूट के बीच में डिस्टेंस को बोलते हैं स्पेसिंग, ठीक है। तो प्लांट से प्लांट के बीच की दूरी दी जाती है 25 सेंटीमीटर और रूट से रूट टू रूट के बीच में दूरी दी जाती है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस प्लांट होती है 25 सेंटीमीटर और रूट डिस्टेंस होती है यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। एक होता है रेनफेड मैच, ठीक है, इसमें जो है रेनफॉल वाला जो रेनफॉल का जो पानी होता है उसके द्वारा ये ग्रो हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर ज़्यादा इरीगेशन की आवश्यकता नहीं होती, तो इसमें जो है बेसिकली 20 सेंटीमीटर ली जाती है प्लांट की और रो की ली जाती है 45 सेंटीमीटर। ग्रीन क्रॉप में दो तरह से ली जाती है, 75:20 और 60:20, और फोडर पर्पज के लिए 30:10 ली जाती है, ठीक है। तो स्पेसिंग भी जो बेसिकली डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर। सोइंग मेथड की बात करें तो बेसिकली डिबलर का यूज़ किया जाता है, डिबलिंग मेथड यहाँ पर यूज़ की जाती है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की सोइंग डेप्थ रखी जाती है। स्टेपलर में क्या होता है, बेसिकली होल किया जाता है और एक से दो बीज उसके अंदर डाल दिए जाते हैं होल करके, ठीक है। फील्ड प्रिपरेशन यहाँ पर की जाती है, रिजेस एंड फ्यूरो मेथड को यूज़ किया जाता है, ठीक है। रिजेस जो बेसिकली 6 मीटर लॉन्ग रखी जाती है। बेड सिस्टम साइज, बेड सिस्टम का जो साइज होता है 10 से 20 मीटर स्क्वायर यहाँ पर होता है, ठीक है। देखो वाटर रिक्वायरमेंट की बात करें तो 600 से 700 मिलीमीटर जो है 100 डेज क्रॉप के लिए यहाँ पर वाटर रिक्वायरमेंट होना चाहिए। पहले भी मैंने बताया था मॉइस्चर स्ट्रेस भी नहीं होना चाहिए और एक्सेसिव मॉइस्चर भी नहीं होना चाहिए, यानी मॉइस्चर की कमी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर कम पानी होगा तो भी सेंसिटिव है और ज़्यादा पानी होगा तो भी सेंसिटिव है, ठीक है, ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वाटर रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा हाई किस स्टेज में होती है, टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज में सबसे ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि जो है मोस्ट क्रिटिकल स्टेज भी कहलाती है टेस्लिंग और सिल्किंग, ठीक है। इस स्टेज में अगर वाटर स्ट्रेस हो गया, वाटर की कमी हो गई, ठीक है, तो यील्ड जो है घट जाएगी, यील्ड डिक्रीज हो जाएगी। स्टेजेस की बात करें कौन कौन सी स्टेजेस इसके अंदर पाई जाती है, 6 लीफ स्टेज पाई जाती है, लेट नी हाई पाई जाती है, टेस्लिंग पाई जाती है, स्किल्किंग पाई जाती है और 2 स्टेज इसके अंदर पाई जाती है। मिनरल फर्टिलाइजर की बात करें तो एनपीके का यहाँ पर रेचो लिया जाता है ब्रांड के एप्लीकेशन के लिए 135:62:50 ली जाती है। अगर कोई हाई विल्ड वेराइटी है तो उसके अंदर नाइट्रोजन 200 लिया जाएगा, ठीक है। फॉस्फोरस यहाँ पर 50-80 के बीच में लिया जाएगा और पोटास जो है बेसिकली 60 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के बीच में लिया जाएगा। तो ये जो है एनपीके का यहाँ पर रेशो होगा। कौन सा बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है इसके अंदर, एजो स्प्रिलियम बायो फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है, जो कि नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को 25% कम कर देता है, ठीक है। अब ये कम कर देगा तो इससे फायदा क्या होगा, हम जो हम केमिकल अलग से अप्लाई करते हैं वो कम करना पड़ेगा, ठीक है, केमिकल का कंजप्शन यहाँ पर कम हो जाएगा। खरपतवार की बात करें तो मैन्युअली भी की जाती है, वीडीसाइड या हर्बिसाइड को यूज़ करके भी खरपतवार को हटाया जाता है, ठीक है। देखो अगर मैन्युअली या हाथ से की जा रही है, हर्बिसाइड को अप्लाई नहीं किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो होए और हैंड वीडिंग की जाएगी, ठीक है। हुई और हैंड वीडिंग की जाएगी, कब की जाएगी, 17 से 18 दिन सोइंग के बाद, सोइंग के 17 से 18 दिन बाद की जाएगी, ठीक है। अगर फील्ड में मॉइस्चर सफिशिएंट है, ठीक है, तो हर्बिसाइड भी अप्लाई किया जाता है। हर्बिसाइड में बेसिकली जो है प्री इमरजेंस अप्लाई किया जाता है एट्राजेन, ठीक है, फेमस है मेज के अंदर एट्राजेन का यूज़ किया जाता है, मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है, 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लिया जाता है, ठीक है। और बाद एट्राजेन जो है बेसिकली अगर मेज को पल्स क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग किया जा रहा है, मेज को पल्स क्रॉप के साथ इंटरक्रॉपिंग की जा रही है, वहाँ पर जो है एट्राजेन को यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। थिनिंग और गैप फिलिंग कितने दिन बाद की जाती है, थिनिंग और गैप फिलिंग यहाँ पर 12 से 15 दिन बाद की जाती है। ये जो है हमने बेसिकली जब राइस क्रॉप को डिस्कस किया था वहाँ पर भी डिटेल में डिस्कस किया था। गैप फिलिंग क्या होता है, जब जो है फील्ड के अंदर जहाँ पर गैप पाई जाती है, ठीक है, गैप पाई जाती है वहाँ पर जो है गैप को फिलिंग किया जाता है सीट को सोन करके, ठीक है। या ज़्यादा पॉपुलेशन है जो अनहेल्दी प्लांट है उनको निकाल दिया जाता है और नए प्लांट वहाँ पर लगाए दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये 10 से 15 दिन बाद वहाँ पर करा जाता है। हार्वेस्टिंग की बात करें तो डिपेंड करती है पर्पस के ऊपर, ठीक है। अगर फोडर पर्पस के लिए हार्वेस्ट की जा रही है तो ये जो है वेजिटेटिव ग्रोथ पर डिपेंड करेगी, ठीक है। इसको बेसिकली जो फार्मर जो है अपने टाइम के ऊपर, इस टाइमली रिक्वायरमेंट के ऊपर इसको जो है हार्वेस्ट कर लेते हैं, जब उनको फोडर ये सारी की आवश्यकता होती है जब इसको यहाँ पर हार्वेस्ट कर लेते हैं। अगर ग्रेन की बात करें तो ग्रेन कर्नल जो है मॉइस्चर जो है 15% यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। 25 से 30% पे भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन जो है 15% पे बेटर माना जाता है। 25 से 30% अगर है तो 2 से 3 वीक रुक जाएंगे, उसके बाद जब 15% हो जाएगा जब इसको हार्वेस्ट कर लेंगे। यील्ड की बात करें तो बेबी कॉर्न की यील्ड बात करें तो बेबी कॉर्न में जो है 6 टन प्रति हेक्टेयर यील्ड होती है, कॉब यील्ड, ठीक है। बेबी कॉर्न की बात करें तो यहाँ पर जो है 6 टन प्रति हेक्टेयर कॉब यील्ड होती है और 25 टन प्रति हेक्टेयर जो है ग्रीन फोडर यील्ड होती है। इरिगेटेड मैच की बात करें तो 5 टन ग्रेन यील्ड होती है और 10 टन स्ट्रॉ यील्ड होती है, जो भूसा होता है, ठीक है। रेनफेड मैच की बात करें तो 3 टन प्रति हेक्टेयर ग्रेन यील्ड होती है और हाइब्रिड में जो है 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है, ठीक है, 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कंपोजिटिव वेराइटी में 40 से 50 होती है, फोडर में जो है 300 से 400 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। एवरेज यील्ड की बात करें तो इंडिया में जो है 2.75 टन जो है एवरेज यील्ड इसकी होती है, ठीक है। ये बेसिकली हमारा जो है मैच पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है, सभी बात कर ली हमने, वाटर रिक्वायरमेंट हो गया, सोइल मेथड हो गया, स्पेसिंग भी हो गया, एसिडिटी भी हो गया, ठीक है, ये पूरा हमारा कंप्लीट हो गया है।
ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। इस वीडियो में इतने रखते हैं, थैंक यू सो मच, हमारा एच डे, बाय बाय, टेक केयर।